अगर आपने मेरे चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो गाइस, आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। हमने पिछली वीडियोज़ में देखा है कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कौन कौन से वायरस कैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनकी क्या क्या लेबलिंग होती है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो हमारा वायरस का स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ होती है, मतलब जो हमारा वायरस का स्ट्रक्चर है वो क्या कंपोनेंट शो करता है, मतलब किस चीज़ से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या चीज़ कंटेन करता है। तो बेसिकली आपको मैं वही सब आज बताने वाला हूँ इस टॉपिक में। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अलग अलग वायरस होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ हर वायरस में मिले। कुछ वायरस में कुछ चीज़ प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि हमारे दो टाइप के बेसिकली वायरस होते हैं, एक होता है हमारा एनिमल वायरस, एक होता है प्लांट वायरस। तो मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, मतलब पूछता है, तो आपको ये बता देना है। अगर पर्टिकुलर डायग्राम आता है तो आप डायग्राम बता दीजिएगा। अगर आपसे सिंपली पूछता है कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस बताओ, तो जैसे जैसे मैं इसमें आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको वहाँ बता देना है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि वायरस के स्ट्रक्चर में होती हैं, मतलब कि वायरस क्या क्या चीज़ पजेस करता है। बेसिकली मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। वायरस के स्ट्रक्चर में कैप्सिड होती है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ जो वायरस कंटेन करता है वो करता है क्या, जीनोम। तीसरी चीज़ एनवलप। देखिए, हर वायरस के ऊपर एनवलप नहीं होती, कुछ वायरस के ऊपर एनवलप प्रेजेंट होती है, कुछ वायरस के ऊपर एनवलप प्रेजेंट नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको जो मैं यहाँ बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में वो हर वायरस में प्रेजेंट हो, बट अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप यही सब लिखिएगा, आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक और चीज़ जो वायरस के स्ट्रक्चर में पाई जाती है, एंजाइम्स। जैसे हमारे देखिए कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कुछ में एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और लास्ट में क्या चीज़ है, वो हमारी ट्रांसपोर्ट चैनल, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं। आपसे पूछे तो आपको ये बता देना है। ठीक है, अब मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कैप्सिड के बारे में। तो जान लेते हैं कैप्सिड के बारे में थोड़ा बहुत। अब जान लेते हैं हम कैप्सिड के बारे में डिटेल में। मैं आपको बताता हूँ कि कैप्सिड का क्या फंक्शन होता है और कैप्सिड की क्या क्या सिमेट्री होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले इस वायरस के स्ट्रक्चर में किसकी, कैप्सिड की। अगर चाहो तो डायग्राम भी आप बना सकते हो, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम शो कर दूंगा जो कि मैंने बनाया हुआ है, आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम जो बात करने वाले थे वो सबसे पहले बात करने वाले थे किसकी, कैप्सिड की। तो कैप्सिड के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी कैप्सिड होती है वो प्रोटीन सेल होती है, किसकी, वायरस की। प्रोटीन सेल ऑफ वायरस। अगली चीज़ है वो ये है, जो हमारी कैप्सिड होती है वो क्या करती है, कंसिस्ट करती है कई सारी ऑलिगोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, ऑलिगोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, जो कि बने होते हैं किससे, हमारे प्रोटीन से, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटोमर्स। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, जो हमारा कैप्सिड होता है वो कंसिस्ट करता है क्या, सेवरल ऑलिगोमेट्रिक स्ट्रक्चर सब यूनिट, जो कि बनी होती है किससे, प्रोटीन से, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोमर्स। ठीक, अब बात करते हैं इसमें तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये है, ये जो हमारे कैप्सिड होती है ये एनक्लोज करती है किसको, जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल हमारा कोई सा भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कोई भी हो सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया। दूसरे पॉइंट में आप सिंपली ये भी बता सकते हो कि जो हमारी कैप्सिड होती है वो मिलकर बनी होती है किससे, डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट से, डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर्स। और ये जो हमारी कैप्सोमियर्स होती हैं इनका नंबर थाउजेंड्स में होता है, थाउजेंड्स इन नंबर। ये बात कर ली कुछ पॉइंट्स के बारे में रिलेटेड टू कैप्सिड। अब मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन क्या रहता है कैप्सिड का, बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में।
पहला फंक्शन जो होता है इसका वो ये होता है कि ये जो होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्शन किससे, डाइजेशन से, फ्रॉम डाइजेशन, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा, बाई एंजाइम्स, मतलब कि ये क्या करता है, एंजाइम से बचाता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को जिससे कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो पहला काम हो गया इसका प्रोटेक्शन का। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, ये जो होता है हमारा कैप्सिड, ये कंटेन करता है क्या चीज़, स्पेशल साइट, किस पे, अपनी सरफेस पर, स्पेशल साइट्स ऑन इट्स सरफेस, जिससे कि क्या होता है जो हमारा वायरस है उसका अटैचमेंट होता है किससे, होस्ट सेल से ईजिली। ठीक है, तो आप कह सकते हो एक तरह से ये अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। बात करते हैं इसके तीसरे फंक्शन की, तो तीसरे फंक्शन में ये क्या करता है, पेनिट्रेशन में भी हेल्प करता है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे इसके तीनों फंक्शन। अब बात करते हैं इसकी सिमेट्री के बारे में, मतलब कैप्सिड की सिमेट्री अलग अलग होती है। जो कैप्सिड है वो शो करता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री, रॉड शेप और स्फेरिकल। तो ये हो गई सिमेट्री। ठीक है, और ये बात कर ली हमने पहले स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब पहली चीज़ के बारे में जो कि हमारी क्या थी, कैप्सिड। अब अगली चीज़ है वो है हमारा जीनोम, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल। अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बेसिकली ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ हमारी क्या आती है, वो आती है जेनेटिक मटेरियल। डायग्राम में आपको आगे शो कर दूंगा वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, और कह सकते हो सिंपली आप जीनोम। जो वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, किसका, वायरस का। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। और जो वायरस हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए शो करते हैं, मतलब जिन वायरस में डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उनको हम बोलते हैं क्या, डीएनए वायरस। और जिन वायरस में हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनको क्या बोलते हैं, हम आरएनए वायरस। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें वो ये है कि जिन वायरस में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हो। जो हमारा डीएनए जो वायरस में प्रेजेंट होता है वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब यही है कोई भी डीएनए हमारा हो सकता है वायरस में, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। और एक और चीज़ है, ऐसे ही आरएनए जो होता है वो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है किसी भी वायरस में, और ये जो हमारे डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं किस में, किसी भी वायरस में, ठीक है, एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बात कर ली हमने इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अब बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जो हमारा रियो वायरस होता है, रियो वायरस ये जो होता है हमारा क्या करता है, कंटेन करता है क्या चीज़, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम। ऐसे ही जो हमारा पार्वो वायरस होता है वो कंटेन करता है क्या, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। पार्वो वायरस ये कंटेन करता है क्या, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये बात कर ली हमने इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है, वो आती है एनवेलप। अब बात कर लेते हैं तीसरा एनवेलप के बारे में। तीसरा है हमारा एनवेलप। पहले बताया था कि ज़रूरी नहीं है जो जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ वो हर वायरस में प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारा जो एनवेलप है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है किसमें, एनिमल वायरस में, मतलब ये जो हमारी एनवेलप होती है वो प्रेजेंट होती है मोस्टली किसमें, एनिमल वायरस में।
अगला पॉइंट है वो ये है, जिन वायरस में हमारी एनवलप प्रेजेंट होती है, ये जो हमारी एनवलप है वो क्या करती है, सराउंड करती है किसको, न्यूक्लियो कैप्सिड को, न्यूक्लियो कैप्सिड किसके द्वारा सराउंडेड होती है, ये हमारी एनवलप के द्वारा। बात वही हो गई, जिनमें हमारा एनवलप होगा, एनवलप का काम क्या होता है, सराउंड करना किसको, न्यूक्लियो कैप्सिड को। ठीक है, ये हो गया इसमें दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, जो एनवलप होती है वो बाईलेयर होती है, ठीक है, किसकी, लिपोप्रोटीन की और ग्लाइकोप्रोटीन की, बाईलेयर ऑफ लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है, जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन है वो प्रोजेक्टेड होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स, मतलब कि जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है स्पाइक्स की फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, मतलब जब मैंने बैक्टीरियोफेज आपको डायग्राम बता के दिखाया था, वहाँ पे स्पाइक्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है वो स्पाइक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किस पे, वायरस पे, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ ली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये बाहर की तरफ रहती है, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पेप्लोमर्स, ठीक है। और इस पेप्लोमर का क्या वर्क रहता है, मतलब इसका क्या वर्क रहता है, इसका वर्क रहता है बाइंडिंग कराने में, किसको, वायरस को, होस्ट सेल से, हेल्प इन बाइंडिंग, किसकी बाइंडिंग, वायरस की होस्ट सेल से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ये बात कर ली मैंने एनवलप के बारे में, ठीक है। अब चौथी चीज़ आती है, वो आती है हमारी एंजाइम। अब बात कर लेते हैं एंजाइम के बारे में। मैंने आपको बताया था कुछ वायरस में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा एचआईवी वायरस होता है वहाँ पे हमारे एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इंटीग्रेज होता है, तो उस तरह से वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हर वायरस में भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो एंजाइम्स में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ वायरस जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एंजाइम, जो कि प्ले करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कि एक सेंट्रल रोल, किसमें, इन्फेक्शन प्रोसेस में। सिंपली आप कहो तो ये कह सकते हो, जो एंजाइम का रोल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसमें, इन्फेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। एक लाइन में आप ये चीज़ सिंपल सिंपल लिख सकते हो। अगली चीज़ इसमें ये है कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, एग्जांपल मैं आपको दूँ, तो जो कुछ बैक्टीरियोफाज होते हैं वो कंटेन करते हैं क्या चीज़, एंजाइम लाइसोजाइम, ठीक है। ये एंजाइम कंटेन करते हैं लाइसोजाइम, जो कि क्या करता है, छोटे छोटे होल्स बना देता है, स्मॉल होल, किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिससे क्या हो सके, इजीली जो न्यूक्लिक एसिड है वायरस का वो बैक्टीरिया में जा सके। बात समझ में आ गई, इसका काम क्या हुआ, होल कर देना, किसमें, बैक्टीरियल सेल में। होल क्यों करता है, जिससे कि जो हमारा वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया में एंटर कर पाए, एंटर इन बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये काम होता है हमारे एंजाइम्स का, मतलब अलग अलग एंजाइम अलग अलग रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको इस एंजाइम का एग्जांपल देके बता दिया है कि ये क्या रोल प्ले करता है, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट चीज़ बचती है, वो बचती है हमारी क्या, ट्रांसपोर्ट चैनल। अब मैं आपको उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ट्रांसपोर्ट चैनल के बारे में। पांचवी चीज है वो हमारी ट्रांसपोर्ट चैनल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट चैनल के बारे में। ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं, ये शॉर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, शॉर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि कंटेन करती हैं कितनी, 50 से 120 अमीनो एसिड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला अब बात करते हैं इसका रोल क्या रहता है, मतलब इनका रोल क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, वायरस के रेप्लिकेशन में, मतलब रेगुलेट करती हैं वायरस रेप्लिकेशन को।
सिंपली आप कह सकते हो ये हेल्प करते हैं किसमें, वायरस एंट्री में, वायरस असेंबली में और वायरस रिलीज में। वायरस एंट्री वायरस रिलीज और वायरस असेंबली, ठीक। जो हमारे ये जो होते हैं वो एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। किसके ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोटॉन्स के, ठीक है। किसके अक्रॉस, वायरल एनवलप के। तो ये हो गया दूसरा इनका मेजर रोल, ठीक है। ये बात कर ली हमने सारी चीज़ों के बारे में जो कि वायरस के स्ट्रक्चर में होती है, मतलब कि आप कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ वायरस। तो आप अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वायरस, तो आप यही सब चीज़ें लिखिएगा, ठीक है। डायग्राम मैं आपको बना के दिखा दूंगा।